जहां एक तरफ साउथ की फिल्में बैक टू बैक सुपरहिट हो रही है तो वहीं बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म फ्लॉप साबित हो रही है। हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा जहां एक तरफ ट्रेंड कर रही है, वहीं राखी सावंत ने बॉलीवुड फिल्मों की फ्लॉप होने का कारण बताया है। तो क्या है ना, साउथ वाले हीरो जो है ना, वो अरबों खरबों इतने पैसे कमाते हैं, लेकिन वो आप उनके घर में जाके देखो, बीवी बच्चों के पास रहते हैं, ज्यादा गर्लफ्रेंडों के पीछे भागते नहीं है। इतने शरीफ हीरो है साउथ के, अपनी बीवियों को सताते नहीं है। बीवी घर में है, बच्चे घर में है, उनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं और उनके साथ ईमानदारी से रहते हैं। घर में बीवी, घर वाली बाहर वाली बिल्कुल नहीं करते हैं। हीरोइन नहीं आ गई तो उसको नाइन में टक्का करके अफेयर नहीं शुरू कर देते हैं। हमारे खुद बॉलीवुड के हीरो है ना ऐसा करते हैं, शादी हो जाती है उसको कोई आगे बढ़ा देता है, उसको छोड़ देते हैं और दूसरी हीरोइन आ गई, उसका शिकार करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी बोलो मैं भी हूँ क्या, अभी बोलो मैं भी हूँ क्या, अभी बोलो मैं भी हूँ क्या। इतना सब बोलने की वजह ये बोल दो कि आदिल जैसे है, होगी बात खत्म। मैं भी ऐसे ही, तो तुम ऐसा नहीं हो, मेरा इस्तेमाल कभी नहीं करोगे। मैं चप्पल बन गया हूँ, मैं चप्पल बन गया हूँ, प्यार हो तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। मैं चप्पल बन के शो में आया हूँ। अभी आदिल भी अभी ऐसे नहीं, नहीं अभी बीच में काटो मत। तो क्या है ना कि वो शरीफ है साउथ के हीरो, अपनी बीवी कैसी भी हो, दो बच्चे की माँ, तीन बच्चे की माँ, लेकिन वो घर निभाते हैं। चाहे आप अल्लू अर्जुन देखो, चिरंजीवी देखो, जितने भी हीरो है देखो, हाँ महेश बाबू मम्मूटी, जितने भी हीरो देखो, रजनीकांत सर, ये अपनी बीवी बच्चों को नहीं छोड़ते और बाहर जाके मुंह भी नहीं मारते, इसीलिए इनकी बीवियों की दुआ लगती है और ये सुपर डुपर मेगा स्टार बनते हैं। यहाँ पे तो एक हीरोइन आती है हमारे, मैं बॉलीवुड की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं उन स्टारों की बुराई कर रही हूँ जो बीवी घर में होते हुए भी बाहर जाके मुंह मारते हैं। और आमिर खान की तो बिल्कुल बात नहीं कर रही मैं। सारों से समझ गए पब्लिक। आमिर खान की फिल्म चलती है लेकिन तो आप समझे, और मेरा आदिल तो शरीफ है भाई, बहुत अच्छा। तो आप जाएंगे पिक्चर साउथ इंडिया में और साउथ इंडिया में तो मेरा साथ जरूर निभाएगा। अब निभाओगे चप्पल घर के शो में यार, दिखाओ तुम लेके गई तो चप्पल पहना था। आदिल साथ निभाना मेरे आदिल, सातों जन्म, सातों जन्म, सातों जन्म, सातों जन्म। चलो डांस नागिन नागिन, कौन सा नागिन नागिन? अरे तुम लोग यहाँ क्यों, अपना काम करो ना। तू सपेरा मैं नागिन वाला डांस, कौन सा गाना? तू सपेरा मैं नागिन, कौन सा गाना ये? तू सपेरा मैं नागिन, चलो नागिन वाला डांस, छोटू पकड़ फोन। पापा आप क्या करोगे, नाक बनो नहीं? मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। नागिन एंटरटेनमेंट ये है, नागिन ने अपना नागिन को बांध लो, नागिन को बांध लो, नागिन सीरियल गाना तो लगा। ऐसा ऐसा करो ना, कैसे कॉपी ना डाल दो लसू। अच्छा अरे साहब, इधर करो, समझो ये नाग है और मैं हूँ नागिन, तो गाना तो लगा। मैं नागिन 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 नागिन, तेरी दुश्मन दुश्मन मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, नागिन नागिन मैं नागिन नागिन। पापा डस क्यों? नहीं नहीं बस ये आपको नहीं छोड़ूंगा, ये करण की बिटिया। अच्छा अच्छा राखी जी, राखी जी बोला, राखी जी मेरे पास, राखी जी आदि भाई फोटो लेते, चार पांच फोटो लेते, बहुत अच्छा सर। चलो नागिन आज है, क्या है आज? नाग पंचमी, नाग पंचमी है। तो ये मेरे आदिल मेरे नाग है और मैं इनकी नागिन हूँ। अरे भाई जल्दी दूध पी लिया है, जोश आया नाच डांस का। ये तुमने पीछे से गाना ऐसे भी डाल देते फालतू के, ठीक है आज अच्छा रहा। चलो थैंक यू। चलो आदिल भाई का मूड हो गया डांस करने का, देखो ना। बाकी देखो वापस हो जाए नागिन, ठीक है ठीक है, देखो वापस हो जाए नागिन वाला। हाँ ओके। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं ना चलो मैं ना भाई फोटो ले।
हैप्पी नाग पंचमी एवरीवन, मैं आज नाग बन गई हूँ, हैप्पी नाग पंचमी हो गया, चलो हाँ हाँ फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।